दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिएटिव होम्स सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, 250 स्क्वायर मीटर्स का इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि है एक सुपर न्यू लोकेशन में इंदिरापुरम में राइट right. एंड इसका लेआउट है वो बिल्कुल ही नया लेआउट क्रिएट किया गया है बिल्डर के थ्रू सो so, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ सबसे पहले हम इसका ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया का ओवरव्यू लेंगे जिसमें आपको एक बहुत बड़ा टी पैनल मिल जाता है साथ में आपको फैमिली लाउंज प्लस ड्राइंग रूम एरिया मिलता है जहाँ पे आपको क्रिएटिव वॉल मिल जाता है एंट्रेंस पे आपको लॉबी एरिया मिल जाता है साथ में आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक मंदिर देखने को मिल जाता है जो बहुत ही बहुत ही सुंदर एंड रॉयल डिज़ाइन किया गया काफ़ी अच्छे स्पेशियस उसके साथ आपको यहाँ फैमिली लाउंज पर्सनल फैमिली लाउंज काइंड ऑफ मिल जाता है जो कि स्लाइडर ग्लास पार्टीशन के साथ बनाया गया है अगेन यहाँ पे एक टी वी पैनल देखने को मिलता है कैन बी यूज एज अ फैमिली लाउंज डाइनिंग एरिया और यू कैन फील वॉट्स दर्सनल स्पेस फॉर योर फैमिली उसी के सामने आपको मिल जाता है किचन जो किचन बहुत ही सुंदर न्यू एज वर्क के साथ डिजाइन किया है कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं हंड्रेड परसेंट फुल्ली मॉड्यूलर किचन यहाँ पे आपको मिलता है जो कि असेंबल्ड है माई फर्नीचर के थ्रू जिसकी आपको 15 इयर्स की वारंटी देखने को मिलती है 100% सॉफ्ट क्लोजर इनोटेक में सो so, दोस्तों बाय द टाइम ऑफ डील आपको सारे के सारे चीज़ों की वारंटी एंड गारंटी कार्ड्स मिल जाते हैं यहाँ आपको हॉब और चिमनी बिल्डर ऑलरेडी एज अ गिफ्ट लगा के दे रहे हैं अब अगर इसके पार्टीशन की बात करें या ओवरऑल कबर्ड्स की बात करें स्टोरेज की बात करें तो सारा का सारा ड्यूको फिटेड पेंट है और यहाँ पर आपको बर्तन का स्टैंड लगा के दिया गया सो काफ़ी प्रैक्टिकल किचन है विच इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद टॉल पेंट्री यूनिट माइक्रोवेव ओ टी जी एंड आपको साथ में डिश वॉशर मिल जाता है जो बिल्डर आपको लगा के दे रहे हैं ऑलरेडी सो अगेन ये एक ओवरव्यू पूरा का पूरा किचन का आ गया यहाँ पर आपको विथ ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल दैन हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ बेडरूम के साइज़ आर सो ग्रैंड सारा का सारा इटालियन वर्क के साथ काम हो रखा है जिसमें आपको सारे बेडरूम्स में स्प्लिट ए सी की फिटिंग लगा के मिलती है बेड के साथ आपको वॉल पेपरिंग करके दी जाएगी यहाँ आपको प्लूटेड ग्लास के साथ वॉड्रॉप्स लगा के दिए जाते हैं अगेन सारा का सारा फर्नीचर जो है माई फर्नीचर से इम्पोर्टेड है एंड सबकी वारंटी टेन ईयर्स की है ऑलरेडी सो दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बहुत ही ब्लॉसम है यहाँ आपको साथ ही ड्रेसिंग टेबल देखने को मिल जाता है वॉशरूम में अगर आप जाएंगे तो वॉशरूम एक बहुत एक वाइब्रेंट कलर के साथ मैच कर रखा है देन आपको जैगवार के फिटिंग्स देखने को मिलते हैं ग्लास का पार्टीशन देखने को मिल जाता है दोस्तों सो so, ओवरऑल हम रूम के लेंथ की और ब्रेड की बात करें तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइज़ निकल के आता है अब चलते हैं हम सेकेंड मास्टर बेडरूम की तरफ ये अगेन एक और मास्टर बेडरूम आ जाता है जिसके कलर कॉम्बिनेशनस एंड ओवरऑल हम बात करें तो एक सुपीरियर गुड क्वालिटी की प्रॉपर्टी निकल के आती है इसमें आपको एल के स्विचेस मिल जाते हैं पॉलीकैप की वायरिंग्स मिल जाती है सारी की सारी चीज़ें 100% ब्रांडेड यूज्ड है ओवरऑल प्रॉपर्टी को हम अगर रेट करेंगे तो दर इज़ टेन आउट ऑफ टेन फॉर दिस टाइम राइट जो कि आप खुद से इवेलुएट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके लोकेशन को इवेलुएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं सो so अगर हम वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल कलर कॉम्बिनेशन जो कि एक वाइब्रेंट फील देता है वॉशरूम्स से और प्रैक्टिकली डिज़ाइन वॉशरूम्स हैं जो ग्लास पार्टीशन के साथ हैं विद साइड प्रोफाइल लेरिंग अब अगर हम बात करें इसके टीवी पैनल्स के तो टीवी पैनल्स बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्रैक्टिकल हैं जिसमें नीचे आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ तो अगर हम थर्ड बेडरूम की बात करें तो एक फुल्ली डिज़ाइंड बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है जो कि है वुडन फ्लोरिंग के साथ इटालियन फ्लोर अगर हम साइड में बात करें तो साइड में आपको इसमें कवर्स देखने को मिल जाते हैं अगैन इसमें आपको थ्री कवर्स मिल जाते हैं ओवरऑल स्टोरेज का साइज काफ़ी अच्छा है रूम साइज बहुत प्रैक्टिकल है अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ तो रूम साइज़ मिनिमल रूम साइज़ इसका आता है चौदह बाय स का रूम साइज़ निकल के आता है यस दिस इज़ चौदह बाय सह बारह बाय अट्ठारह के रूम साइज इस फ्लोर में निकल के आते हैं ये आपको जो वॉशरूम देखने को मिलता है ये कंबाइन एंड कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको मोजाइक टाइल्स का वर्क देखने को मिलता है दोस्तों अब हम चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ जो कि फ्रंट बालकनी से अटैच आपको फोर्थ बेडरूम मिल जाता है उससे पहले मैं आपको कॉमन से भी एक व्यू करा देता हूँ वॉशरूम का अब आपको मिल जाता है फोर्थ बेडरूम जिसका साइज जो कि मैंने बात की थी चौदह बाय बीस का बेडरूम साइज आपको दोस्तों देखने को मिलता है यहां पे विद अ वेरी गुड मैनटीज कलर कॉम्बिनेशन ड्रेसिंग टेबल विद लाइट लुकिंग मिरर प्रोफाइल लाइट के साथ आपको वॉड्रोब देखने को मिलती हैं अगेन सारा का सारा डिको फिनिश्ड है लॉन्ग लास्टिंग सारी चीज़ें हैं जैकवार की वाटर फिटिंग्स देखने को मिल जाते हैं वॉशरूम में आपको सारे के सारे ग्लास पार्टीशन देखने को मिल जाते हैं जैकुआर के फिटिंग्स देखने को मिल जाते हैं रेन शावर्स मिलता है लुकिंग मिरर मिलता है आपको गीजर इंस्टॉल मिलते हैं एंड अब हम चलते हैं इसकी फ्रंट बालकनी की तरफ सो so, दोस्तों फ्रंट बालकनी में जाने का रास्ता जो है अब यू पी वी सी चैनल डोर के साथ देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी ब्रॉड साइज की बालकनी यहाँ आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बिल्डर ने ऑलरेडी झूला एंड दीज आउटडोर चेयर्स इंस्टॉल करके दिए हुए हैं टू जस्ट एन्जॉय द फील ऑफ बालकनी जो कि वैसे यूजुअली मिसिंग होता है अगर हम ओवरऑल बात करें इसके स्लाइडर डोर की तो ये वन फोर्थ पार्ट तक पूरा खुल जाता है सो सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द आर्ट ऑफ रॉयल लिविंग